नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश की शिवराज सरकार नए विमान की सवारी करेगी। अमेरिका से नया विमान बीच क्राफ्ट किंग एयर B-200 GT भोपाल स्टेट हैंगर पहुंच गया है। सरकार ने पुराना विमान 8 करोड़ में बेचकर अमेरिका से करीब 60 करोड़ में नया विमान खरीदा है। ये विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी अधिकतम गति 575 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 सीटर इस विमान में बैठक व्यवस्था सबसे ज्यादा आरामदायक है। इसमें आधुनिक फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि पायलट के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। इसका ऑटो पायलट मोड भी उड़ान के दौरान तकनीकी रूप से सफर को पिछले विमान की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बनाता है। यह 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद मनीष कारपेंटर को श्रद्धांजलि दी है। सीएम शिवराज सिंह राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर पहुंचकर शहीद मनीष कारपेंटर को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद मनीष कारपेंटर की प्रतिमा भी स्थापित होगी। वहीं शहीद मनीष कारपेंटर का पार्थिव शरीर खुजनेर के लिए रवाना हो गया है। राजगढ़ जिले के खुजनेर के रहने वाले जवान मनीष कारपेंटर कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीष सुदर्शन चक्र कोर में थे और इन दिनों बारामूला में पदस्थ थे। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान JEE और नीट परीक्षाओं के आयोजन के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर मुख्यमंत्री को चेताया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। प्रदेश की सियासत में बयान और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कांग्रेस के उपेक्षित नेताओं को BJP द्वारा ऑफर देने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्वालियर चंबल से कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को BJP में कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने संकेतों में ऑफर दिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पार्टी में उपेक्षित हैं। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की कमान अपने हाथ में रखकर डॉक्टर गोविंद सिंह को उपेक्षित किया। अब मौका है कि डॉक्टर गोविंद सिंह भी कोई फैसला लेकर पार्टी को जवाब दे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जिस रोड मैप को समय सीमा में पूर्ण करने का संकल्प शिवराज कैबिनेट ने लिया है, यदि वह अमल में आ गया तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। 4 घंटे की कवायद के बाद कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी। आयकर विभाग के छापे के दौरान कई जानकारियों को लेकर प्रॉपर्टी का ब्यौरा MP पंजीयन विभाग से मांगी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजीयन विभाग इसमें मदद नहीं कर रहा है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई है, जबकि 15 दिनों के अंदर ही इस जानकारी को मुहैया कराना था। दिल्ली से आए आयकर विभाग के अधिकारियों की मदद नहीं करने से अब पंजीयन विभाग की भूमिका पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। हालात ये हैं कि पिछले एक पखवाड़े में स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमित 22% ज्यादा मिले हैं। इसकी एक प्रमुख वजह सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ होना और गाइडलाइन को दरकिनार करना है, यानी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और स्वस्थ होने वाले कम हुए हैं। पिछले 11 दिन में 8 बार संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 के पार हुआ है। अब तक का यह पहला मौका है जब संक्रमण में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। देवास के स्टेशन रोड स्थित नई आबादी में मंगलवार शाम 4:45 ढहे 3 मंजिला मकान के मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रात 1:30 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के 9 लोगों को देवास जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 55 वर्षीय बस्कर बी पत्नी अजीज खान और आफिया को इंदौर रेफर कर दिया गया है। प्रदेश के वाहन चालकों को शिवराज सरकार ने राहत दी है। सरकार ने वाहन रिन्यूएबल की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। इससे उन वाहन चालकों को फायदा मिलेगा जिनके वाहनों के दस्तावेज का नवीनीकरण 1 फरवरी 2020 या लॉकडाउन की अवधि में समाप्त हो गया था।
सरकार ने इनकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट, पंजीयन प्रमाण पत्र सहित अन्य वाहनों के दस्तावेज शामिल है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने आदेश जारी किए हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। राजधानी भोपाल के बिलखिरिया में हुए सड़क हादसे में महिला की मौत के लिए पुलिस ने जांच के 16 दिन बाद उसके पति पर ही लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। इसके लिए पुलिस ने उतावले पूर्वक वाहन चलाकर पत्नी के जीवन को संकट में डालने की 304 ए की धारा दर्ज की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस धारा की तलवार हादसे में मरने वाले के करीबी पर लटकी हो। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा बन गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बरसात का दौर शुरू होने की संभावना है। उधर मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक दमोह में 7, उज्जैन में 2, शाजापुर में 1, धार में 0.7, इंदौर में 0.2 मिलीमीटर बरसात हुई। भोपाल में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। वर्तमान में राजस्थान में दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इंदौर शहर के एप्पल अस्पताल में कोरोना के इलाज के नाम पर हर मरीज से पीपी किट के लिए प्रतिदिन 3,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, एक बार पॉजिटिव आए मरीज के उपचार के दौरान 5 दिन में ही उसका दोबारा कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, जबकि ICMR की गाइडलाइन के अनुसार दोबारा कोविड टेस्ट 10 दिन के बाद कराना है। हर टेस्ट के लिए मरीज से 4,500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस तरह मरीजों पर बेवजह हजारों लाखों रुपए का बिल थोपा जा रहा है। हटा में पिछले 2 दिन से चल रही कार्रवाई के बीच पुलिस ने मंगलवार को नकली ऑयल बनाकर बेचने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री में 7,000 लीटर नकली ऑयल और नामी कंपनियों का खाली पैकिंग मटेरियल भी मिला है। पुलिस ने टाटा, सर्वो, कैस्ट्रॉल सहित अन्य कंपनियों के अधिकारियों की मौजूदगी में फैक्ट्री की गोदाम खुलवाई और नकली उत्पादों का बारीकी से मुआयना किया। जब्त किए गए स्टॉक में कैस्ट्रॉल, सर्वो व टाटा कंपनी का 20 लीटर पैक, बाल्टी, रिलायंस की डॉक्टर फिक्सिट के सैकड़ों कार्टूनों में हजारों लीटर तैयार पैक मटेरियल मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार की देर रात विदिशा पहुंची। यहां उन्होंने रात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थापित बाढ़ वाले गणेश मंदिर में दर्शन किए। वह शहर के सबसे प्राचीन रंगई वाले हनुमान मंदिर भी पहुंची, जहां दर्शन कर संतों से चर्चा की। रात्रि विश्राम के बाद आज बुधवार को राधा अष्टमी के मौके पर वह शहर के सबसे प्राचीन नंदवाना की वृंदावन गली में स्थित राधा रानी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने राधा रानी के दर्शन कर आरती की। पूर्व मुख्यमंत्री अपने साथ बाल गोपाल की प्रतिमा लेकर आई थी। उनका कहना था कि वह आज राधा अष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण को राधा जी से मिलाने लाई हैं। करीब 1 घंटे तक राधा मंदिर में रुकने के दौरान उन्होंने बधाई गीत गाए, राधा रानी की आरती की। इस मौके पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने पीताम्बर उड़ाकर सम्मानित किया। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने को लेकर हो रही कवायद के बीच पार्टी में अंदरूनी तूफान सा आ गया है। प्रदेश के जबलपुर से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने पूरे घटनाक्रम को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता दिनेश यादव ने ट्वीट किया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुई कलह से कार्यकर्ता बेहद दुखी है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह तन, मन, धन और जी जान से पार्टी हित में काम कर रहे हैं, पर शीर्ष नेताओं की बेवजह बयानबाजी सबकी मेहनत बर्बाद कर देती है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना अंतर्गत ग्राम सतवारा में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पलेरा पुलिस और जतारा SDOP योगेंद्र सिंह भदौरिया मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620।